4 1 2020. 20. First, we start with the lesson. Safety means to stay away from danger, to keep safe. We have to follow some safety rules. There are different safety rules that we must follow in different places. Yani safety means yani हमको अपने आप को डेंजर यानी खतरे से बचाना है अपने आप को सेफ करने के लिए हमको कोई कोई सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये अलग अलग जो सेफ्टी के सुरक्षा के नियम हैं वो हमको अलग अलग जगह पे फॉलो करने पड़ते हैं एक नियम जो एक जगह पे होता है वो दूसरी जगह पे नहीं हो सकता फॉलो नाउ नो विथ डैबी वेरिंग ए सीट बेल्ट इन द कार सेव स फ्रॉम एक्सीडेंट यानी जब हम कार में जाते हैं तो हमारा सेफ्टी रूल क्या है कि हम सीट बेल्ट बांध के बैठे ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें राइट ना ऑन द रोड अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे नंबर वन ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट यानी हमेशा साइड में जो फुटपाथ जैसा है उस पर चलना चाहिए रोड पर चलना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम रोड पे चलेंगे तो हमको कोई गाड़ी या कुछ टकरा टक्कर मार के भाग जाएगा तो हमको वो ध्यान रखना है सो वी शुड वॉक ऑन द पेवमेंट क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग यानी रोड क्रॉस करने के लिए जो रोड पे वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स बने होते हैं उसको जीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं यानी अगर हम इस पर चल रहे हैं तो कोई व्हीकल आता है तो वो देखेगा कि ये प्रॉपर जगह से चल के जा रहे तो वो रुक जाएगा और हमको निकलने देगा डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड यानी रास्ते पर दौड़ना नहीं चाहिए और खेलना भी नहीं चाहिए खेलने के लिए प्ले है गार्डन है लेकिन रोड पर खेलना इट इज़ नॉट गुड और नॉट सेफ़ ऑल्सो ओबे ट्राफिक रूल्स यानी ट्राफिक रूल्स को फॉलो करो यानी जब हमको रोड क्रॉस करना है तो प्रॉपरली जिब्रा क्रॉसिंग पे करो फिर व्हीकल्स आने जाने, जाने के टाइम पे जो सिग्नल होता है उस उसमें जो टाइम होता है उस हिसाब से क्रॉस करना चाहिए ऑलवेज गो आउट विथ एल्डर्स एंड होल्ड देर हैंड यानी हम कहीं बाहर जाते हैं तो बड़ों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए और अकेले तो कभी भी जाना नहीं चाहिए Do not tease stray animals। यानी रास्ते पर जो stray animals घूम रहे होते जैसे cow है dog है तो हमको उनको परेशान नहीं करना चाहिए और अगर हम उनको पत्थर मारेंगे लकड़ी मारेंगे के, तो वो हमको भी परेशान करेंगे And cross the road at the zebra crossing. This is see, this girl is crossing the road at the zebra crossing. नहीं चल रहा है ऊपर फुटपाथ पे चल रहा है राइट नाउ ऑन पेज सिक्सटी सेन सी डेबीज टाइम कलर द पिक्चर ऑफ द ट्राफिक लाइट एंड राइट वॉट इच कलर स्टैंड फॉर सी ये ट्राफिक सिग्नल आपने हर जगह देखा होगा रोड सिटीज़ में जहाँ क्रॉस लेस चार रोड मिक्स एक साथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे ऐसे ट्रैफिक सिग्नल होता है जिसमें अलग अलग लाइट्स होती है थ्री कलर की लाइट्स होती है कौन कौन से कलर और दर हर एक कलर का क्या इंपॉर्टेंस है वो, वो मैं आपको बताती हूँ रेड लाइट होती है फिर येलो होती है और ग्रीन रेड लाइट क्या बोलती है स्टॉप रुक जाओ अभी मत जाओ येलो लाइट ऐसा बोलती है कि गेट रेडी अब तैयार हो जाओ थोड़ी देर में आपको जाने मिलेगा कुछ सेकंड्स में और ग्रीन लाइट बोलती है अब आपकी टर्न है आप जा सकते हो सो रेड से स्टॉप, येलो से गेट रेडी और प्लीज वेट एंड वेट एंड ग्रीन से गो नाव ये सेफ्टी रूल्स थे ऑन द रोड नाव सम सेफ्टी रूल्स आर देयर फॉर द बस ऑल्सो आप बस में जा रहे हैं तो इन द बस वेट फॉर द बस इन ए क्यू बस में जाना है तो लाइन में वेट करो सीधी स्टिल्ड्रन आर वेटिंग इन ए लाइन फिर एक के बाद एक चढ़ना है धक्का मुक्की पुशिंग करके नहीं जाना है देन गेट इन टू द बस वेन इट्स योर टर्न बस में तभी चढ़ो जब आपकी टर्न हो डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस बस के अंदर जाते अंदर जाते समय या उतरते समय अगर बस मूव कर रही है चल रही है तो हमको नहीं चढ़ना चाहिए एंड डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ द बस और अगर हम बस में बैठे तो बस में से हमारा हाथ हमारा सिर वगैरह हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए नाउ योर यू कैन सी वी आर ऑन पेज नंबर एट नाउ टाइम डेबी हमको क्या बताना चाहता है देर आर मैनी पीपल हु कीप अर सेफ विद देर नेम्स यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स या यू कैन सी टीचर्स पुलिस एंड पेरेंट्स तो हमको ये लोग हेल्प करते हैं ताकि हम सेफ रहे घर पे होते तो मम्मी पापा बताते ऐसे करो ये मत करो आपको लग जाएगा वगैरह वगैरह जब आप स्कूल जाते हो तो आपके टीचर्स आपको बोलते स्टेयर्स में मत दौड़ो बेंचेस पे मत झंप करो वगैरह और अगर रोड पे हो या कहीं हो और पुलिस आपको देखती है कुछ प्रॉब्लम uh, होता है तो वो आती है सो दीज आर टीचर्स पेरेंट्स एंड पुलिस नाउ एट होम नेवर प्ले विथ फायर डू नॉट टच स्विचेस एंड प्लग्स विद वेट हैंड्स डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल थिंग्स सच एज ए टेबल फैन नेवर टच शार्प थिंग्स लाइक इव्स एंड ब्लेड्स डू नॉट जम पे टेबल्स बेड्स और सोफा यानि जब हम घर पे होते तो स्कूल पे ध्यान रखा बस में भी ध्यान रखा अभी घर पे क्या करने का डू नॉट प्ले विथ फायर कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि हमारा हाथ जल सकता है गर्म गर्म चीज अगर मम्मी ने उतार के रखी तो उसको टच नहीं करना चाहिए गैस नहीं स्टार्ट करना चाहिए माचिस से नहीं खेलना चाहिए तो ये सब चीजें छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए फिर हमारे जो हाथ अगर गीले होते हैं तो हमको स्विच और प्लग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल थिंग्स इलेक्ट्रिकल चीजों से भी नहीं खेलना चाहिए जैसे अगर देखो टेबल फैन घूम रहा है और आप अंदर उंगली डालोगे कुछ तो आपको लग जाएगी फिर शार्प चीज से भी नहीं खेलना चाहिए जैसे छुरी है ब्लेड है देखो ये लड़की है वो खेल रही थी तो उसको नाइफ लग गया तो देखो का तो उसको खून निकल रहा है फिर ये ये रोने भी लगी क्योंकि उसको ब्लड निकल रहा है फिर ये लड़का गीले गीले हाथ से स्विच को टच किया तो उसको करंट लग गया एंड और घर पे और एक चीज ध्यान रखें कि चेयर टेबल बेड सोफा उसके ऊपर हमको जंप नहीं करना है नाउ व्हेन यू एट स्कूल ये हुआ एट होम नाउ सेफ्टी रूल्स फॉर स्कूल At school, do not push each other while moving up or down the stairs. यानी हम स्कूल में होते तो जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं मानना चाहिए यानी अगर किसी को जोर से धक्का लग गया तो बेचारे को जो गिर जाएगा उसको बहुत प्रॉब्लम होगी कुछ ज्यादा चोट लग सकती है डो नॉट पोश ईच अध अधर ऑन स्विंग फिर अगर हम झूले पे खेल रहे हैं तो भी मेरी बारी है मेरी बारी करके धक्का नहीं मारने का डो नॉट क्लाइंब और जम्प ऑन डेस्क एंड चेयर और क्लासरूम में डेस्क और चेयर पे जम्प नहीं करना चाहिए नेवर रन इन द कॉरीडोर और जो स्कूल का कॉरिडोर है उसमें भी दौड़ा दौड़ी नहीं करनी चाहिए कभी हम गिर सकते हैं चोट लग सकती है डो नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर एक दूसरे पर चीज फेंकनी नहीं, नहीं चाहिए क्लास में इट लुक्स वेरी बैड और बहुत शैतान बच्चे देखो ये बच्चे कितनी मस्ती करे बेंच पे चढ़ के खड़े हैं कोई चिल्ला रहा है कोई रॉकेट बना के फेंक रहा है बॉल से क्लास में खेल रहे हैं ये दोनों इधर उधर भाग रहे और क्लास को इतना गंदा करके रखा है सो दिस इज नॉट गुड गुड चिल्ड्रन नेवर डू दिस गंदे बच्चे होते हैं तो वही ऐसी सब शैतानी करते अच्छे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू इन द क्लास नाउ या यू कैन सी एंड सर्कल विथ रेड क्रेन दिस डू एन वील बी डू इन टेक्चुअल एक्सरसाइजेस नाउ इन द प्ले ग्राउंड यानी मैदान में खेल के मैदान में क्या ध्यान रखना चाहिए वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न टू प्ले फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यानी जब आप खेल रहे हो ग्राउंड में तो आपका टर्न आने की आप राह देखो नहीं मेरा टर्न है मेरा टर्न है करके झगड़ा झगड़ी मत करो फिर जो रूल्स है गेम के उसको फॉलो करो प्ले इन ए प्ले ग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड खेलना है तो प्लेग्राउंड में खेलो लेकिन रोड पे नहीं अगर स्कूल के आजू बाजू रोड है तो बाहर नहीं खेलना चाहिए एंड डू नॉट हिट एनीवन वाइल प्लेइंग खेलते समय किसी को मारना नहीं चाहिए प्ले सेफली सी दिस चिल्ड्रन दे आर सो गुड बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं कर कितने आराम से खेल रहे हैं so, इन द स्विमिंग पूल कितनी सारी जगह पे ध्यान रखना पड़ता है घर पे रोड पे बस में स्कूल में स्विमिंग पूल में भी ध्यान रखना पड़ता है डू नॉट गो अ स्विम अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए डू नॉट स्विम इन डीप water. गहरे पानी में स्विमिंग नहीं करना चाहिए ओके okay? अगर आता है तब भी डीप वाटर में नहीं जाना चाहिए यूज ए स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर लर्नर सी दिस इज स्विमिंग ट्यूब दिस इज अ कैप आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है और अगर सीख रहे हो तो ये ट्यूब के अंदर जिसमें एयर भरी होती है आप इसमें रह के स्विमिंग करोगे तो आपके डूबने के चांस नहीं है क्योंकि ये आपको ऊपर ही रखेगा देन इफ समन गेट्स हर्ट इन फॉर्म एन एल्डर अराउंड यू अगर किसी को स्विमिंग करते करते चोट लग गई तो तुरंत ही किसी को बड़े को कि किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई इसको स्विमिंग करते करते चोट लग गई कहीं टकरा गया कि कुछ तो ये सब ध्यान रखना चाहिए सो चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन दैट वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरी वेयर वी गो एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल सो आप लोग भी सेफ रहिए एंड टेक केयर ऑफ यर सेल्फ अगर आपसे छोटे कोई आपके साथ है छोटे भाई बहन वगैरह तो उसका भी आप ध्यान रखिए बी गुड बाय बाय टेक केयर